Good morning everyone and welcome to the class. We are doing the revision of the chapter judiciary, and under this chapter we are discussed about the appointment of the Chief Justice of India and then the other judges of the Supreme Court and High Court. And after that we have started our discussion regarding the removal of judges. In this regard, we have discussed about the ground on which the process of removal of the judges can start. The ground is only two, that is misbehavior or incapacity. Okay, misbehavior or incapacity. These are the two bases on two grounds on which basis the process of removing the judge can be started, and the process of the removal of the judges are known as impeachment. Okay, this is called impeachment. And we have also seen that this process is made so difficult by the constitution makers that it is not easy to remove any judge through this process. They can be removed, but it is not an easy task, because what we find that if there is any motion in which there are charges against the judges, a motion to impeach the judge, that motion must be approved by a special majority in both the houses. And we know, we have discussed about this special majority when we were discussing special majority. We have discussed about it in that chapter, election and representation. है ना, उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है. स्पेशल मेजोरिटी के मतलब के अंदर क्या आता है, सिंपल मेजोरिटी प्लस टू थर्ड मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग. तो इसमें सिंपल मेजोरिटी क्या हुआ, सिंपल मेजोरिटी मीन्स, सिंपल मेजोरिटी का मतलब होता है 51%, है ना. अगर वन मोर देन हाफ इज गिविंग द कंसेंट देन द इट विल बी कंसिडर्ड एज सिंपल मेजोरिटी, है ना. इसको हम कहते हैं सिंपल मेजोरिटी. और स्पेशल मेजोरिटी के लिए सिंपल मेजोरिटी के साथ साथ टू थर्ड मेजोरिटी भी चाहिए. वो क्या होता है, दिस प्लस टू थर्ड मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग. जो भी मेंबर प्रेजेंट हैं और जो वोट भी कर रहे हैं, है ना, उनका टू थर्ड चाहिए. ये नहीं कि सिर्फ प्रेजेंट होने से, बिकॉज देर आर मेनी इंस्टेंसेस व्हेन द मेंबर्स आर प्रेजेंट बट दे आर नॉट वोटिंग, है ना. तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, उस कंडीशन को हम कहते हैं एब्स्टेन करना. एब्स्टेन मीन्स, एब्स्टेन मतलब मेंबर्स आर प्रेजेंट इन द हाउस but they have not participated in the voting. This is called abstain kar jana. To us case mein kya hoga ki unka number nahi count hoga because they have not voted. So only those who are present and voted, unka two third majority chahiye hota hai. Ye dono mila karke hamara kya banta hai, ye dono mila ke banta hai simple, ye special majority. Theek hai, to special majority ke liye simple majority plus सिंपल मेजोरिटी प्लस टू थर्ड मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग चाहिए होता है. ओके, तो हमने ग्राउंड देख लिया, किस ग्राउंड पे ये स्टार्ट किया जा सकता है. देन हमने देख लिया कि कैसे ये पास होगा. एंड हम ये भी समझ रहे हैं कि जो रिमूवल है
उसका जो प्रोसेस है वो आसान नहीं होता है, बहुत ही टफ होता है। ये दोनों मिलाकर के मेजोरिटी आ पाना, उसको पास हो पाना उस प्रपोजल को, इट इज नॉट एन इजी टास्क। एंड आवर एक्सपीरियंस इज ऑल्सो प्रूविंग दिस, बिकॉज 70 years हैव पास्ड, बट वॉट वी फाइंड दैट नो सिंगल जज हैज बिन रिमूव्ड बाई दिस प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। देर वॉज वन ओनली वंस देर वॉज सच प्रपोजल फॉर द रिमूवल ऑफ द जज, एंड ही वॉज जस्टिस राम। द प्रपोजल टू रिमूव जस्टिस वी रामास्वामी केम व्हेन ही वॉज सुप्रीम कोर्ट जज। ओके, जब वो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे तब उस समय उनको रिमूव करने का एक मोशन आया, एंड दिस मोशन वॉज साइंड बाई 108 मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। एंड व्हाट वी फाइंड कि जो उन पर चार्जेस लगे थे वो उस समय के थे व्हेन ही वॉज द चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, बिकॉज पंजाब हरियाणा दोनों के सेम हाई कोर्ट होता है, तो उस हाई कोर्ट में वो उस समय चीफ जस्टिस थे। उस समय के चार्जेस लगे हुए थे, बट जिस समय चार्ज उन पर ये पार्लियामेंट में ये प्रोसेस चला इम्पीचमेंट का, एट दैट टाइम ही वॉज सुप्रीम कोर्ट जज। ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या व्हाट हैपेंड। ये जो जब ये प्रोसेस चल रहा था ये 1992 का ईयर था, एंड पार्लियामेंट में ये स्टार्ट हो गया था 1991 में ही, बट ये लंबा काफी प्रोसेस चला, और पार्लियामेंट ने इसके लिए एक इंक्वायरी कमीशन भी बैठाई थी। द प्रोसेस ऑफ इम्पीचिंग जस्टिस वी रामास्वामी स्टार्टेड इन द ईयर 1991, और ये प्रोसेस काफी लंबा चला। इसमें इंक्वायरी कमीशन बैठी 1992 में। ये जो इंक्वायरी कमीशन बैठी ये किसके हेडशिप में ये इंक्वायरी कमीशन बैठी, ये जो इंक्वायरी कमीशन बैठी थी उसके हेड जो थे वो सुप्रीम कोर्ट के जज के ही हेडशिप में ये बनी थी, है ना, ताकि जो भी चार्जेस लग रहे हैं उसको सही से उसकी इंक्वायरी की जाए, इन्वेस्टिगेशन की जाए कि वो सही है या नहीं। और जो उनपे चार्ज था वो चार्ज क्या था, वो चार्ज था कि उन्होंने फंड्स का मिस अप्रोप्रिएशन किया है, फंड्स को मिस यूज किया है, तो ये चार्ज उनपे लगा हुआ था। और इसके लिए पार्लियामेंट ने इंक्वायरी कमीशन बनाई, और जब जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज थे और उन्होंने जब इन्वेस्टिगेट किया, इंक्वायरी की, तो ये समझ में आया, ये उनका जो उनकी जो फाइंडिंग थी उस कमीशन की वो यही थी कि जस्टिस वी रामास्वामी ही वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ विलफुल एंड ग्रॉस मिस यूज ऑफ ऑफिस। ही हैज मिस यूज हिज ऑफिस, ही हैज यूज पब्लिक फंड फॉर प्राइवेट पर्पसेस, एंड ही हैज शोन डिसरिगार्ड फॉर रूल्स एंड लॉज। तो दीज वर द फाइंडिंग्स ऑफ द कमीशन, इंक्वायरी कमीशन विच वॉज हेडेड बाई जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो जज ये प्रूफ हो गया कि उन पर जो चार्ज लगे हैं दीज आर नॉट फॉल्स चार्जेस, द चार्जेस वर कम्प्लीटली करेक्ट, है ना, और दैट इज वाई दिस मोशन वॉज मूव्ड इन द पार्लियामेंट। बट स्टिल वॉट वी फाइंड दैट दिस प्रपोजल, दिस मोशन कैन नॉट बी पास्ड फ्रॉम द लोकसभा। वाई इट कैन द रिकमेंडेशन गॉट 2/3 मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, इस मोशन को 2/3 मेजोरिटी मिल गई जो कि प्रेजेंट एंड वोटिंग थे उनका, लेकिन इसमें क्या हुआ कि कांग्रेस पार्टी जो थी वो एब्सटेन कर गई वोटिंग से, उसने वो प्रेजेंट थी बट उसने वोट नहीं किया, और इस कारण क्या हुआ कि ये जो मोशन था इट कुड नॉट गेट सपोर्ट ऑफ 1/2 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। तो 51% जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इट इज नॉट इजी टू पास द रिजोल्यूशन, क्योंकि आपको दोनों चाहिए, 51% भी चाहिए एंड 2/3 मेजोरिटी भी चाहिए। तो 51% और 2/3 दोनों का मिलना आसान नहीं होता है। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी प्रेजेंट थी बट उसने वोट नहीं किया, तो इस कारण से 2/3 मेजोरिटी तो मिल गई, लेकिन यहाँ पर 51% वाली जो वोट थी वो नहीं मिल पाई, क्योंकि 51% जो है वो किसका चाहिए, दैट इज रिक्वायर्ड ऑफ टोटल मेंबरशिप, है ना।
तो 51% जिस जब भी हम सिंपल मेजोरिटी की बात करते हैं तो वो टोटल मेंबरशिप का होता है ना। तो जो भी टोटल मेंबरशिप है वो प्रेजेंट है नहीं है, वोट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, दैट डज नॉट मैटर। तो बस उनका 51% चाहिए। तो इसमें कांग्रेस के अब्सटेन करने के कारण ये पास नहीं हो पाया था। तो ये चीजें जो हैं हम कह सकते हैं कि इट इज नॉट इजी टू रिमूव अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, है ना। एंड वन मोर थिंग इज देयर, वी मस्ट रिमेम्बर दैट इफ वी सी इन द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट द सुप्रीम कोर्ट इन द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट द एग्जीक्यूटिव हैज द पावर, है ना। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड सीजीआई के भी कंसल्ट को लेते हैं। बट अगर हम एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी में देख रहे हैं तो जजेस के अपॉइंटमेंट में एग्जीक्यूटिव जो है वो पार्टिसिपेट करती है, लेकिन इनके अपॉइंटमेंट में जुडिशियर लेजिस्लेचर का कोई भी हाथ नहीं होता। लेजिस्लेचर हैज नथिंग टू डू विद द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस। एंड नाउ व्हेन वी आर सीइंग दिस प्रोसेस ऑफ रिमूवल, इन दिस प्रोसेस ऑफ रिमूवल देर इज नो रोल गिवन टू द एग्जीक्यूटिव, द रोल इज ओनली ऑफ द लेजिस्लेचर। तो इस तरह से इसको अलग अलग कर दिया गया है। अगर सपोज अपॉइंटमेंट और रिमूवल दोनों ही एक ही ऑर्गन के पास होता तो वो क्या होता कि जुडिशियरी जो है वो उस ऑर्गन के क्लच में आ सकती थी, है ना, उसकी इंडिपेंडेंस जो है वो कर्टेल हो सकती थी। बट इन ऑर्डर टू एंश्योर इट्स फ्रीडम दिस अरेंजमेंट वॉज डन कि वन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट वॉज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अपॉइंट द जजेस एंड द अदर ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट वॉज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिमूव द जजेस। इस तरह से एक बैलेंस ऑफ पावर जो था वो क्रिएट किया गया। And now we have completed this introductory, जो भी हमारा appointment और removal से related था। अब हम एक नए सब टॉपिक की तरफ चलेंगे और ये है structure of the judiciary। Judiciary का क्या structure था। And when we consider the structure of the judiciary, again we have to go to the topic of federalism. So we have adopted federalism, you know? In our country we have a federal structure of the government and what does federalism means, what does federal structure of the government means that there is a distribution of power among different levels of the government. All the powers of the government is not concentrated at one place. Actually it is divided among different levels of the government, and through our constitution it is divided. Originally the powers of the state, powers of the state in the terms of political science, you must understand what do we mean by state, hai na. So jo power of the state was divided among two levels of the government, that was first at the level of the center and the second at the level of the state, theek hai. So then again ek amendment la karke ye power ko local level pe bhi distribute kar diya gaya. तो सिंपली बस यू मस्ट रिमेम्बर कि फेडरलिज्म का मतलब होता है डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट का होना, एंड द पावर इज डिवाइडेड अमंग दिस डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट एंड दिस डिवीजन ऑफ पावर इज डन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस थ्री पॉइंट्स बिकॉज फेडरलिज्म इज नाउ डिलीटेड फ्रॉम योर सिलेबस, दो वी हैव स्टडीड इट अर्लियर, है ना, बट इन द रिविजन वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट. But still, you must have a basic idea. That is very much important. ये तीन बातें एकदम याद रखनी है. Federalism का मतलब है different levels of government का होना. And then there is distribution of power between among these different levels of government. And this distribution of power is done by the constitution. तो जहाँ most of the countries में क्या होता है, जहाँ पर federal structure को adopt किया गया है, वहाँ पर जो courts का जो structure होता है वो फेडरल, जैसे कि कोर्ट्स भी फेडरल होते हैं, ठीक है. जो यूनियन लेवल पे जो कोर्ट्स हैं
वो यूनियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं, देन स्टेट लेवल पे कोर्ट्स होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं. बट इंडिया इन स्पाइट ऑफ दिस फेडरल स्ट्रक्चर वी हैव अडॉप्टेड द इंटीग्रेटेड जुडिशरी. ओके, सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी हैज बीन अडॉप्टेड बाय आर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स. सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियरी. इसका मतलब ये है कि इन आर कंट्री द जुडिशियरी एट द स्टेट लेवल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, बट एक्चुअली इट इज अ पार्ट ऑफ द इंटीग्रेटेड जुडिशियल स्ट्रक्चर. जो हाई कोर्ट्स होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में ना होकर के सुप्रीम कोर्ट के कंट्रोल में होते हैं, है ना. यही हमारे इसका मतलब होता है, स्ट्रक्चर का मतलब होता है. जैसे कि अगर हम इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे तो ये एक पिरामिड के शेप में आएगा. पिरामिड क्यों बनेगा? क्योंकि इसके एपेक्स पे, यहाँ पर कौन है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट होती है. उस सुप्रीम कोर्ट के नीचे बहुत सारे जो हमारे स्टेट्स हैं, लाइक 28 स्टेट्स आर देयर, तो उनके हाई कोर्ट्स होते हैं. और इसके नीचे, हाई कोर्ट्स के नीचे हम अगर देखें तो क्या होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं. और ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जो होते हैं उनके नीचे सबॉर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, है ना. तो इसको हम कहते हैं, इसके नीचे जो होते हैं वो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं. तो जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, व्हाट वी फाइंड दैट द नंबर ऑफ कोर्ट्स आर इंक्रीजिंग, है ना. सुप्रीम कोर्ट तो सिर्फ एक है, हाई कोर्ट जितने स्टेट्स अगर हैं हम उतना कहें तो 28 है. क्योंकि ज्यादातर जो यूटीज हैं उनको किसी न किसी स्टेट के साथ क्लब कर दिया गया है, ठीक है. तो अगर हम ये पिरामिडिकल क्यों बन रहा है, बिकॉज यहाँ पर सब सिंगल है, उसके बाद ये नंबर बढ़ा है, और नीचे जितना नीचे जाएंगे ये नंबर उतना इंक्रीज करता जाएगा. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं वो और भी ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि एक स्टेट के अंदर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं और हर डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट है, तो इस तरह से नंबर जो है वो इंक्रीज होता है. फिर डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबॉर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, तो ये एक पिरामिड के शेप में होता है और ये पूरे जो है वो आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं. दिस इज हाई कोर्ट हैज़ नथिंग टू डू विद द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है. इसी को हम कहते हैं कि हमारी जुडिशरी जो है वो इंटीग्रेटेड है. लाइक कोई भी मैटर जो है वो लोअर कोर्ट में आता है सबसे पहले, ठीक है. नीचे लोअर कोर्ट में जाने आने के बाद ये मैटर जो है, अगर सपोज लोअर कोर्ट का जो भी वर्डिक्ट है वो उसके अगेंस्ट किसी को अपील करनी हो, तो वो कहाँ जाएंगे, वो उसके ऊपर वाली कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट में आएंगे. अब हाई कोर्ट से अगर अपील करनी, हाई कोर्ट के वर्डिक्ट के भी अगेंस्ट किसी को अपील करना है, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, ठीक है. तो इस तरह की जो सिस्टम होती है उसको हम कहते हैं कि ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है. और हमारे यहाँ जो लोअर कोर्ट्स होते हैं वो हाई कोर्ट के डायरेक्ट सुपरविजन में होते हैं. हाई कोर्ट जो होती है वो डायरेक्टली उन पे कंट्रोल करके चलती है. सो यू कैन सी इट, यू मस्ट सी इन द बुक, आपकी बुक में ये दिया हुआ है, इसके स्ट्रक्चर को समझाया गया है कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट होती है सबसे ऊपर, देन हाई कोर्ट्स होते हैं, देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, देन सबॉर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं. और इसी में हम लोग ये भी देखेंगे कि दो तरह के मैटर्स होते हैं जो भी कोर्ट के सामने आते हैं. कुछ सिविल मैटर्स होते हैं, कुछ क्रिमिनल मैटर्स होते हैं. सिविल मैटर्स हुए जिनमें कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, देन मैरिज है, डाइवोर्स है, इनसे रिलेटेड जो मैटर्स होते हैं, अडॉप्शन है, ये सब आते हैं सिविल मैटर्स में. और क्रिमिनल मैटर्स में जो वायलेंस से रिलेटेड, जिसमें कि लॉ का वायलेशन होता है, वो सारे मैटर्स आते हैं. ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड अप टू दिस स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशियरी. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, एंड दैट इज जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. ओके,
So, first of all, you must understand what do we mean by jurisdiction. जुरिस्डिक्शन से हम क्या मीन करते हैं? जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है कि हमारा एरिया ऑफ फंक्शन, एरिया ऑफ पावर, ठीक है? कुछ हमारे जो जो हमारा एरिया ऑफ फंक्शन है वो अनलिमिटेड तो नहीं होता है किसी का भी. अगर हम यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट जुडिशरी, तो जुडिशरी हैज नॉट अनलिमिटेड एरिया ऑफ फंक्शन, है ना? उसकी एरिया ऑफ फंक्शन को लिमिट किया गया है थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन कि कहाँ तक उसका अधिकार है, वो कहाँ तक काम कर सकती है, ठीक है? तो इसको ही हम लोग कहते हैं कि उसका क्या ज्यूरिस्डिक्शन है. अगर हम ज्यूरिस्डिक्शन के हिंदी टर्म को देखें तो आई थिंक द मीनिंग विल बी मोर क्लियर टू यू. हिंदी इज क्षेत्राधिकार. क्षेत्राधिकार का मतलब क्या हुआ? व्हाट डू यू मीन बाय क्षेत्राधिकार? अगर हम क्षेत्र अधिकार, है ना, ये क्षेत्र जो है, क्षेत्र का मतलब क्या होता है? एरिया, है ना? हमारा एरिया क्या है, किस चीज का एरिया? हमारे अधिकार का, हमारे पावर्स का, हमारे राइट्स का. एरिया और पावर, ये दो चीज हमें देखना है कि हमारे पावर का एरिया का है, किस सीमा तक, किस क्षेत्र तक हमें अधिकार मिला हुआ है. दिस इज कॉल्ड ज्यूरिस्डिक्शन. तो ज्यूरिस्डिक्शन का मतलब सिंपल मीनिंग यही है कि हमारे पावर्स क्या है, ओके? जिसको कि हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म यूज होता है, ज्यूरिस्डिक्शन, ओके? सो वी विल कंसिडर ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एंड इन दिस रिगार्ड वी विल सी दैट द सुप्रीम कोर्ट हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्यूरिस्डिक्शन. लाइक द फर्स्ट इज ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन, देन एपेलेट ज्यूरिस्डिक्शन, देन एडवाइजरी ज्यूरिस्डिक्शन इज ऑल्सो देयर, देन रिट ज्यूरिस्डिक्शन एंड स्पेशल पावर्स. सम स्पेशल पावर्स इज ऑल्सो गिवन टू सुप्रीम कोर्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस द ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन. ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन मीन्स ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन में वो मैटर्स आते हैं जो कि कहीं और नहीं जा सकते हैं, जिनको पहले पहल हम सुप्रीम कोर्ट में ही ले जाते हैं. अभी जैसे जस्ट नाउ वी हैव डिस्कस ना कि कोई भी मैटर अगर आता है नॉर्मली, इन जनरल नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में कोई मैटर अगर होता है, लीगल मैटर है, तो वो सबसे पहले लोअर कोर्ट में जाती है ना? लोअर कोर्ट से फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, फिर हाई कोर्ट्स में, देन वो सुप्रीम कोर्ट में आती है. तो इतनी सारी ये क्या है, दीज आर स्टेप्स. आप सीधा सीधे सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हर मैटर में. इन जनरल जो मैटर्स आते हैं उनमें हम यही स्टेप फॉलो करते हैं, बट कुछ ऐसे भी मैटर्स होते हैं जिनमें कि हम सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं. और ऐसा ही जो मैटर होता है जिसको हम एक वन ऑफ दैट मैटर इज कॉल्ड ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन, जिसमें कि डायरेक्टली वो सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगा, उसको लोअर कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है. पहली बारी वो सुप्रीम कोर्ट में ही आएगा, ठीक है? तो इस तरह के जो ज्यूरिस्डिक्शन वाले मैटर्स होते हैं उसमें क्या हम देखते हैं कि जो फेडरल मैटर्स होते हैं, राइट? जस्ट नाउ आई टोल्ड यू दैट वी हैव फेडरलिज्म, है ना? और फेडरलिज्म के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है वो यही होता है कि इसमें डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट तो होती है और उनके बीच डिवीजन ऑफ पावर होता है. दिस डिवीजन ऑफ पावर इज डन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, बट स्टिल व्हाट वी फाइंड कि कई बारी ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं जिसमें कि स्टेट्स के बीच में, आपस में, या फिर सेंटर और स्टेट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है बिकॉज ऑफ देयर मे बी सम एम्बिग्युटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना? ऐसा हो सकता है कि कभी कोई लीगल डिस्प्यूट आ जाए. लीगल डिस्प्यूट का मतलब ये हुआ कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो डिविजन ऑफ पावर किया उसको लेकर किसी तरह का कन्फ्यूजन हो सकता है. वो कन्फ्यूजन कैन लेड टू द डिस्प्यूट एंड कॉन्फ्लिक्ट. या फिर कभी कभी कुछ पॉलिटिकल मैटर्स भी होते हैं. पॉलिटिकल तो नहीं कहा जाएगा, मेनली हमारे जो लीगल मैटर्स ही वहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें जाते हैं.
The Supreme Court is concerned, it is related with the legal matter between the states, or between the center and the state, or between center and one or some states and other states. तो जब भी इस तरह का कोई मैटर आता है तो वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले जाता है, और सुप्रीम कोर्ट को ही ये पावर है कि वो उसको डील करेगी. कोई भी हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट जो है इस तरह के मैटर को डील नहीं कर सकती है. और सुप्रीम कोर्ट जो है इस तरह के मैटर में क्या करती है कि डिस्प्यूट तो सेटल करती ही है. इफ़ देयर इज डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट्स और बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, जो भी डिस्प्यूट है, द सुप्रीम कोर्ट विल सेटल द डिस्प्यूट. बट इट ऑल्सो इंटरप्रेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कहा है रिगार्डिंग द पावर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, रिगार्डिंग द पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, वॉट इज देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, उसका इंटरप्रिटेशन भी वो साथ साथ ही कर देती है. तो इसको हम इसी को हम कहते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन. अगर हम इसमें देखें लाइक कावेरी वाटर डिस्प्यूट को लेकर के, कावेरी वाटर को लेकर के, उसके डिवीजन ऑफ पावर वाटर को लेकर के तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में बहुत लंबा विवाद चला है ना. बहुत दिनों तक उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंटरफेयर किया बट कुछ नहीं हुआ. आखिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने सॉल्व करना चाहा बट नहीं हुआ, तो फिर इसका लीगल सॉल्यूशन के लिए ये मैटर जो था वो सुप्रीम कोर्ट में गया, और तब सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेरेंस से इस मैटर को सॉल्व किया गया. तो इस तरह के जो मैटर्स होते हैं उसको हम कहते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन. ओके, एंड ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के बाद जो सेकेंड हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट जुरिस्डिक्शन है उसको हम कहते हैं रिट जुरिस्डिक्शन. This is called writ jurisdiction. Writ jurisdiction is a jurisdiction about which we have discussed in the chapter of fundamental rights, because we have seen our constitution has given us very important fundamental rights. And in all these fundamental rights, the most important fundamental right is that Article 32, which is right to constitutional remedy, because that is called the consign of the constitution. As I told you, B.R. Ambedkar ne Article 32 ko consign of the constitution kaha hai, aur yehi Article 32 jo hai wo. This Article 32 यही रिट जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड है, और इसमें ये कहा गया है कि अगर कोई भी हमारे राइट्स को, फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, कोई भी का मतलब कोई भी, बीट एन इंडिविजुअल, बीट अ ग्रुप ऑफ पीपल, और इट कैन बी द गवर्नमेंट ऑल्सो, द स्टेट गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई भी अगर हमें हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये पावर देता है, हमारे ये राइट देता है कि हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं फॉर रेमेडी. रेमेडी मीन्स जो प्रॉब्लम आई, हमारा वॉयलेशन हुआ हमारे राइट्स का, उस प्रॉब्लम को कैसे हमें सॉल्व करना है, उसके सॉल्यूशन के लिए वी कैन गो डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट. और जब हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं इस तरह के मैटर्स में, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो स्पेशल ऑर्डर्स इशू करती है, और इन्हीं स्पेशल ऑर्डर्स को हम रिट्स कहते हैं. सो रिट्स आर स्पेशल ऑर्डर्स. ओके, एंड वी कैन सी दैट ये जो पावर है वो हाई कोर्ट को भी दिया हुआ है. जैसे अगर हमने पहले वाला जो देखा ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, जो फर्स्ट जुरिस्डिक्शन था, इन दैट जुरिस्डिक्शन द हाई कोर्ट हैज नो पावर, है ना. हाई कोर्ट के पास कोई पावर नहीं, क्योंकि वो मैटर सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा. लेकिन यहाँ जब हम रिट जुरिस्डिक्शन की बात देख रहे हैं, तो वहां पर हम क्या देखते हैं कि बोथ द कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट, दे हैव द सेम पावर. हाई कोर्ट कैन ऑल्सो इशू रिट्स, ठीक है. और इसके लिए हाई कोर्ट, ये तो आर्टिकल 32 इज ओनली अबाउट सुप्रीम कोर्ट, और हाई कोर्ट के लिए कौन सा आर्टिकल है, वो है आर्टिकल 226.
है ना। तो आर्टिकल्स दोनों के डिफरेंट हैं, लेकिन पावर जो है वो दोनों को दिया गया है। और इसमें ये कहा गया है कि कोई भी अगर किसी के भी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो वो कोर्ट में जा सकता है। और इस मौके पर इस सिचुएशन में जो कोर्ट है वो कई तरह के रिट्स इशू करती है, जिसमें कि हिबिस कार्पस रिट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिट है, देन सर्टियोररी है, को वारंटो है। इस तरह से जो रिट्स हैं वो कोर्ट इशू करती है। तो वी विल डिस्कस अबाउट द रिट्स, ऑल द रिट्स इन द नेक्स्ट क्लास। ओके।